हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा, तो स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया। कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का? मैंने कहा होगा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा, काटना होगा तो काट देना अगर ज्यादा बोलना। अभी नहीं कटेगा, अभी कट भी जाता अब नहीं कटेगा। वो कहता है कि मनोज जी हाँ हम इसको कर देते हैं, हमारा बेटवा खेलेगा। तो हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा दुविधा में, मैं सोचा सोहेल भाई को फोन करूं, एक चल सकता है क्या? विष्णु तो फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं। तो लगाओ विष्णु इंदौरी को फोन, पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार, सारा खर्चा उठा लेगा। नो सर, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स, जाओ बाहर में। आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि 1.5 खर्चा करेगा। नो नो नो, स्ट्रिक्ट रूल सर, 2.5 तक कर सकता। नो 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 3, हाँ क्या नाम है उसका? मिलाओ मिलाओ। कपिल तू भी जा अभी सीसीएल में, इसको क्रिकेट खिलाओ। वहाँ फिर आपका क्या होगा? उधर सामने बैठ के मैच देखेंगे। अच्छा सीसीएल में देखा जो भी, अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है। तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है 8 बजे, उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में। तो पता रहता ना सर, मैच खत्म होने के बाद 11 बजे खत्म होगा, ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है सीधा बार। नेक्स्ट डे जिसका मैच है, ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो 4 टीम्स हैव प्लेड, नेक्स्ट डे देयर आर 4 टीम्स, दे आर ऑलरेडी देयर। अरे कल तेरा मैच है? हाँ है ना, दोपहर को है ना, ठीक है। सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। चल कितने बजे आज सुबह? 2 बजे से पहले उठना, 2:30 बजे मैच है भाई। जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं, ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये खुद एक्टर तो हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं। भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवाखाना है, उसके मालिक आप हैं किसी और का है वो? अभी और एक दुकान खुला हूँ सर। अच्छा। वो पहले था, आई वॉज अ ड्रमर, प्रोफेशनल ड्रमर फॉर अबाउट फ्यू ईयर्स। अच्छा जी, वाह। तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से, वो वहाँ से अच्छा आ रहा है। लवली। अच्छा हाँ। बट कपिल पाजी मैं आपको एक बात कहता हूँ, या हम सब जो बैठे हुए हैं, कोविड के टाइम पे देयर वाज अ फैमिली इन कलकत्ता, दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली हुज, और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई रूम। आई मेड अ कॉल टू जीशू and I said there's a lady in she's suffering, it's a genuine case hai. Isne bola aap mujhe ek din do, 2 घंटे ke andar Jishu called me back and we are only in touch during CCL. That's the time I realized that hum industry ke bare mein kehte hain that but even as local connects to help people we have met. Absolutely. Aaj kahan bhi koi bhi kaam hoga kisi ke shehar mein hum ek dusre ke liye hain, right? ये तो पूरी दुनिया में है। क्या बात। अब तो पता कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना, जो घर से भागना चाहते हैं, वो भी पहले बाहर देखते हैं सोनू सूद तो नहीं खड़ा कि वापस घर ना छोड़ दे, तो ये भी बड़ा लोगों में डर है। पर भाई जोक्स अपार्ट, वी लव यू भाई, प्राउड ऑफ यू भाई। राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, ये केरला स्ट्राइकर्स में विकेट कीपर है, बैट्समैन है। सर बिफोर यू से एनीथिंग सर, आज वो बोलेंगे कुछ? नहीं। आई रिमेम्बर ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में। आप क्यों डरते हैं? आपकी इतनी अच्छी बॉडी, आपने गलत भी बोल दी हिंदी, कौन टोकेगा आपको? आप मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं नहीं बोलने के, अगर आपको जनरली कुछ, तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है हाँ, उसको 30 ml लेना होता है। तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं। पंजाबी ले लें 30 ml तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। देयर इज अ वेरी यूनिक मेडिसिन। और अगर 30 ml और ले लो फिर आप रशियन भी बोल सकते हो। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं हाँ, तो कभी कभी कैच छूट जाए ना, तो कैप्टन की शाम को पकड़ेंगे सब हाँ. तो बहाना बनाते हो, ये गिर गया, ऐसे हो गया था, आंखों में सूरज पड़ गया था। आप तो वैसे ही एक्टर हो तो आपसे कभी कैच छूट जाए फिर आप एक्टिंग करते हो वहां पे कि नहीं ऐसा हो गया? जरूरत नहीं पड़ते सर। इनफैक्ट वी कैन नॉट एक्ट, ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स इन द टीम, सो हाउ कैन वी एक्ट एंड सेव आवरसेल्फ, इट डजंट हैपन लाइक दैट। बस बात खत्म। इस बार हमारा टीम है सोहल भाई, it's only actors this time. Only actors. राजीव, कभी-कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो, ऐसा होता है? ना, हमारे टीम में तो नहीं होता। तो पाजी आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना, तो हमने 2 मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था। अच्छा। तो टीम गई अंदर, तो शबीर गया बॉबी के पास, सेट द फील्ड। बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड। बॉबी जाता है, you go there, you come little close, you go there, field set. ये भाई सेकंड वाले में हुआ था, फर्स्ट वाले में बॉबी भाई ने बोला जहाँ मर्जी छाया वगैरह दिखती खड़े हो जा भाई। Bobby is too cool. Sudhir Babuji, you're also very cute. Thank you. बड़ा मारे। बाबू मतलब आप वही वाले बाबू हैं जिनको सारी लड़कियां रात को फोन करके कहती है मेरे बाबू ने ताना ताया। ये वही वाले बाबू हैं। या। पहले आप बैडमिंटन खेला करते थे ना? या। छोड़ कहाँ दिए? कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया कि आप एक रैकेट चलाते हैं? वैसे जीसू जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अरे यार आज फ्लर्टिंग तो मुझसे मतलब ये फ्लर्ट के भी ऊपर कुछ अगर होता है तो वो है, वो है। हाँ। वो जो वो है वो तो मैं बता नहीं सकूंगा सबके सामने कि वो है। So sweet, very sweet, trust me. I'm blessing. Me too. आपका ना कभी टीम ऐसा हारेगा ना तो हमको जरूर बुलाइएगा। क्यों? हौसला देने के लिए? हौसला नहीं, हम चखना देने के लिए जाएंगे। क्यों? नहीं, हम सुना है इनका टीम हारता है तो भी बहुत पार्टी होता है। होता है कि नहीं पार्टी? 100%। पार्टी हम बहुत एंजॉय करते हैं, पार्टी के लिए हम बहुत लॉयल हैं, एकदम मनोज जी की तरह। थैंक यू। पहले बातें करते करते हम एक मेन चीज आप लोग को बताना भूल गए, हमारा ना रिश्ते का बात चल रहा है। हमारा मम्मी पापा अभी गया हुआ है लड़के से रिश्ते का बात करने के लिए। बहुत प्यारा लड़का है, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। क्या करता है उसमें? वो कुत्ते टहलाता है। नहीं कोई आसान काम नहीं, आजकल इट्स ए बिजनेस। आपको पता है ना कुत्ते टहलाना? आपको पता है बांद्रा से लेकर जुहू तक जितना बड़ा बड़ा अमीर लोग हैं उन सबके कुत्ते वही टहलाता है। और जब तक ये लड़के का चेहरा ये कुत्ते देख नहीं लेते वो लोग हल्के नहीं हो पाते हैं, इतना है उसका। सच में एक बार वो लड़का गाँव चला गया तो सभी लोगों ने अपने कुत्ते का ना वीडियो कॉल कराया उसके साथ, फिर उसका फेस देख के हल्का हुआ है। तब जाके इसको तो इतना नॉलेज है, इसको एग्जैक्टली पता है कौन सा कुत्ता कौन से खंबे पे हल्का होता है। सो मच डिटेल ही नोज, वेरी नाइस बॉय ही इज। उससे रिश्ते का बात चल रहा है। ठीक है, दिस इज माय फोन रिंगिंग। क्या है यहाँ से कभी आता नहीं है टाइम पे। लेकिन 1 मिनट, हेलो मम्मी का फोन। मम्मी रिश्ते का बात हुआ? पक्का हुआ? लड़का ना कह रहा है। हमारा फोटो दिखाए कि नहीं? फोटो देख के कह रहा है कि खाली छोटे जानवर घुमाता है। ठीक है मम्मी, फिर आपको जो भी ठीक लगे वो वाला गाली उसको दे दीजिए। एक बार जरा फोन दीजिए उसको। हाय। चल कोई नहीं गुड़िया, टेंशन ना ले, कोई और मिल जाएगा तुझे। ऐसा क्या, हमको भी ऐसा लड़की से शादी करना नहीं है। ये कोई लड़का है कुत्ते घुमाता है, ये कोई काम है? कल हम उससे कहेंगे कि हमको घुमाने ले चल, हमारे गले में पट्टा लगा दिया तो। यू नेवर नो, ऐसा खम्भे के पास लेके चला जाएगा हमको। हमको नहीं जाना उसके साथ। आज कुत्ते घुमा रहा है, कल शादी के बाद लड़कियां घुमाएगा, ये क्या बात हुआ? ऐसा लड़का हमको नहीं चाहिए। हम काफी एकदम मायूस हो गए हैं। मायूस वाला म्यूजिक दे। हमारा शादी कैंसिल हो गया है। अभी का अभी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं हम। अगर थोड़ा बेटर फील कर सकते हैं अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा डांसिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल, आइए आइए, थोड़ा है ग्रूव करेंगे, ग्रूव। आइए आइए भैया, डिसाइड करियो बीट चलेगा कोने, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हाँ जब नाचे मुझको उसका बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। चलिए चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग से मुलाकात होगा। थैंक यू वेरी मच। बैठिए बैठिए बैठिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे CCL के सभी खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जो हैं ये फिल्मों से तो पैसे कमाते ही हैं, इनकी और भी बड़ी जगह दुकानें खुली। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ पाजी, प्लीज हैव अ लुक। सोनू सूद बिरयानी एंड फास्ट फूड। पाजी ये दुकान कब खोली आपने? भाई पता नहीं, मैंने तो नहीं खोली, अभी भी पता चला है। एक्चुअली सोनू पाजी ने कोविड के मुश्किल टाइम पे जरूरतमंद लोगों की उस समय से हेल्प कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हजारों लोग रोज इनके घर के बाहर आते हैं और जो नहीं आते हैं ये उन तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 27 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तब से मैं अपाहिज जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और लास्ट 8 साल से मुझे डायलिसिस लगा है। घर में अकेला रहता हूँ, कोई परिवार नहीं है, ना माँ पिताजी बीवी बच्चे कोई नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.